मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि कश्मीर तो मुझे मालूम है, मैं अभी अब तक कश्मीर गया नहीं, लेकिन जब कुछ कश्मीर में देखा हूँ फिल्मों के जरिए, मैं देखा हूँ कि इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, हेवन है, मैं हम बोलते कि एक स्वर्ग है धरती का पर। तो मेरे ख्याल से हम बहुत कुछ सुनते आए और एकदम आइडियल स्पॉट है एटलीस्ट फॉर द फिल्म पीपल। एंड इवन ओल्डन डेज लॉट ऑफ फिल्म्स यूज्ड टू बी शूट, अभी आजकल हम वेस्टर्न जाते फॉरेन जाते शूट करते, लेकिन फिर मेरे ख्याल से दे हैव टू शूट स्टार्ट शूटिंग इन कश्मीर। तो वो लोग को भी, जस्ट लोकल लोग को भी ऐसा लगेगा कि हम लोगों को कुछ बाजू में, उनका टूरिज्म भी अच्छा बढ़ेगा और एक एक कश्मीर के बारे में अच्छा मैसेज भी ऑल ओवर जाएगा कि दे आर बैक टू नॉर्मल। मीन्स कुछ बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होता था पॉलिटिकल, तो मेरे ख्याल से हाँ वही मैं मेरी बात मेरी राय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब लोगों ने वेस्टर्न कंट्री जाए, लेकिन कुछ पार्ट तो कश्मीर में आप शूट करो। तो मेरे ख्याल से जो लोकल्स जो है उनमें भी टैलेंट है, तो उनको भी एक स्कोप मिलेगा, बाद में एक लोगों का एक भरोसा रहेगा कि ये, अगर ये शूट कर सकते हैं तो हम लोग भी जा सकते हैं, तो टूरिज्म भी बढ़ जाएगा। तो एक दूसरे पर सब डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ कि जैसे हम हर पिक्चर में कश्मीर देखते थे अराउंड मेरे एज के लोग जो है 25 साल पहले, हम कश्मीर देखा पहला मैं सिनेमा थ्रू, गाना सब हीरो हीरोइन कश्मीर में है। तो हम लोग जब यंग थे बोलते थे आफ्टर मैरिज वी विल गो कश्मीर, तो कश्मीर हमारा आइडियल स्पॉट था। अभी क्या हो गया, आजकल तो एडवांस इससे बजट बढ़ गए तो फॉरेन जाते, तो मेरे ख्याल से कुछ पार्ट दे आर टू शूट इन कश्मीर, सो दैट कैन ब्रिंग द गोल्डन डेज बैक एंड दैट विल कीप देम ऑन द ट्रैक टूरिज्म। थैंक्स।